بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कन्वर्सेशन पोइम्स की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। लिसन मी केयरफुली, पेज नंबर 23 है। एक्सरसाइजेज, अंडरस्टैंडिंग द पोइम, नज़म को समझिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दर्ज दैल सवालात के जवाबात तहरीर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज टॉकिंग टू माउस, यानी कन्वर्सेशन जो है पोइम्स, ये एक डायलॉग है बिटवीन कैट एंड माउस के दरमियान। हु इज टॉकिंग टू माउस, माउस के साथ कौन बात कर रहा है? अ कैट इज टॉकिंग टू माउस, अ कैट इज टॉकिंग टू माउस। क्वेश्चन नंबर 2 है, What does the cat want to do? What does the cat want to do? बिल्ली क्या करना चाहती है? बिल्ली क्या करना चाहती है? The cat wants to get into, जाना चाहती है the mouse's house, चूहे के घर में जाना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, What does the mouse tell the cat? माउस जो है बिल्ली को क्या बताता है? द माउस टेल्स द कैट डैट शी हैज टू बी थिन टू कम इन, टू बी थिन टू कम इन, टू बी थिन टू कम इन, मेरे घर में आने के लिए तुझे क्या होना पड़ेगा? पतला होना पड़ेगा। वेन इज द माउस बिजी, माउस कब बिजी होता है? द माउस इज बिजी ऑल डे, द माउस इज बिजी ऑल डे। क्वेश्चन नंबर 5 है, Do you think the mouse is really busy? क्या आपके ख्याल में हकीकतन माउस जो है वो बिजी है? No, no, the mouse is not really busy. No, the mouse is not really busy. बिल्कुल हकीकतन जो है वो बिजी नहीं है। Working with words, अल्फाज के साथ काम करिएगा। Read the words and learn to spell them. इनको आपने पढ़ना है और इनके स्पेलिंग जो है वो याद करने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, दर्ज जैल के आपने क्या करने हैं? राइमिंग वर्ड ढूंढने हैं। यूज द राइमिंग वर्ड्स टू राइट अ शॉर्ट पोइम, और आपने एक शॉर्ट पोइम जो है वो लिखनी है जैसा कि ऊपर दी गई है, आप इसी को कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, हम इसको देखते हैं। डोर, मोर, टोर, इन, बिन, रिन, से, डे, रे, Said, dead, red, wear, bear, wear, bear, fear। तो ये थे राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड होता है कि एंडिंग जो लफ्ज की साउंड होती है वो सेम होती है। जैसे कि अगर हम इस पोइम्स में आए तो ये अंडरलाइन, डोर, फ्लोर, माउसी, हाउसी, इन, थिन, सेड, तो दीज आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स, दीज आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट देखिएगा, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में जानिएगा। कैन यू गैस द नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्लूज, यानी ये इशारा दिया गया आपने नाउन को कर रहा है। अ स्मॉल बॉक्स फुल ऑफ स्टिक्स, इट इज कॉल्ड मैच बॉक्स, क्या कहा जाएगा? मैच बॉक्स, माचिस की डिबिया। समथिंग वी पुट अ लेटर इन, हम किसमें लेटर डालते हैं? इनवेल्प में, किसमें? इनवेल्प, किसमें डालेंगे? इनवेल्प में। पेज नंबर 24 है, वी पुट ऑन द लाइट विद दिस स्विच, विद दिस स्विच। वी कीप वार्म एट नाइट विद हिज ब्लैंकेट, यानी कंबल के साथ ब्लैंक। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फिनिशिंग द एक्सरसाइजेज इन द कंपोजिशन सेक्शन बिलो, देन विद अ क्लासमेट री योर कन्वर्सेशन टू अदर इन योर क्लास, यानी आपने क्या करना है? गुफ्तगू करनी है। नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन वी मीट पीपल वी से हेलो, वी से हु वी आर, इफ वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम यूज दिस वर्ड, यानी आप अगर किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं और आप मिल रहे हैं तो आप उसको क्या कहेंगे? सबसे पहले इन इस्लाम, इस्लाम में हम जब किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। तो ये जो है ये इंग्लिश के वर्ड है, गुड मॉर्निंग, माई नेम इज, वट इज योर नेम, गुड आफ्टरनून, दिस इज माई फ्रेंड,
गुड टू मीट यू, हेलो, यानी इस तरह के अल्फाज हैं। लेकिन जब भी किसी से मिला जाए तो बेहतर तो यही है कि आप उसको अस्सलामु अलैकुम कहें कि तुम पर सलामती हो, और आगे वाला भी जवाब दे वालेकुम सलाम, तुम पर भी सलामती हो। तो इस तरह का जो है बच्चों को ज़रूर जो है आप मोटिवेट करें, उनका बिहेवियर को, उनके एटीट्यूड को सही करें। तरबियत का होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट डिड दे से टू ईच अदर, यूज योर ओन वर्ड्स एंड कंप्लीट द कन्वर्सेशन बिलो। यानी ये कन्वर्सेशन दी गई है कैट और माउस के दरमियान, आपने क्या करना है, इस गुफ्तगू को सुनना है, और गुफ्तगू को सुनने के बाद आपने एडिंग करनी है, बच्चों को भी एक्टिविटी करवानी है। लोडियर स्टूडेंट्स, ये थी एक्सरसाइज कन्वर्सेशन की, ये पोइम थी, बड़ी शॉर्ट एक्सरसाइज थी, तो काइंडली इसको भी देख लीजिएगा। और सबसे पहले हमारी जो पहली वीडियो है कन्वर्सेशन वाली, ट्रांसलेशन वाली एंड वर्ड मीनिंग्स वाली, उसको आप ज़रूर एक बार देखिएगा, फिर आप एक्सरसाइज बड़ी आसानी के साथ कर लेंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।